नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे देव इलेक्ट्रिकल एंड टेक्निकल चैनल पर। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है 18 स्लॉट समर्सिबल मोटर की सिंगल फेस वाली की वाइंडिंग किस प्रकार से करते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि 18 स्लॉट की मोटर को वाइंडिंग किस प्रकार करते हैं और किस प्रकार इसके अंदर कोयले डलती है और कितनी कोयले इसके अंदर इंस्टॉल होती है और कितनी इसकी पिच रहती है, वो आज मैं एक एक करके आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक देखें। एंड अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कर दीजिए। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, मात्र 10% लोगों ने, वीडियो देखने वालों ने सब्सक्राइब कर रखा है, बाकी 90% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप हमारी मेहनत के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मेरा तो यही कहना आप लोगों से, बाकी आपकी मर्जी। मैं तो आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों, वीडियो की स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, इसके अंदर टोटल 18 स्लॉट है। स्टार्टिंग की कोयले बनेगी हमारी, तीन तीन कोयले बनेगी, दो सेट बनेंगी, रनिंग के अंदर दो सेट बनेंगे तीन तीन कोयलों के, और हम पिच रखेंगे 1 से 5, 1 से 7, 1 से 9। चलिए दोस्तों, मोटर को डालना स्टार्ट करते हैं कोयले। और दोस्तों, रनिंग की तो आप डाल सकते हैं आसानी से तीन तीन कोयले, लेकिन आपको स्टार्टिंग में कन्फ्यूजन होगा तो देखना कहाँ पे होगा कन्फ्यूजन, मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर करूँगा। तो आप ध्यान से देखें वीडियो को, कहीं से भी स्टार्ट कर लेना आपको, कोई से स्लॉट से। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये इनर है, मैं ग्रीन पेन से कर रहा हूँ रनिंग की दोनों से, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 5, 1, 2, 3 स्लॉट हमारी इसकी हो जाएंगे। दोस्तों, ये हमारी 1 से 5, इससे अगली वाली 1 से 7 ऑटोमेटिक आ जाएगी, फिर इससे ऊपर वाली 1 से 9, इस प्रकार। ये हमारा इनर है और ये आउटर है। देखिए, मैं आपको गिन के दिखा देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 1 से 5। अब दोस्तों, हमारे एक से डल जाता है तीन कोयलों वाला, जस्ट मोटर को आपको घुमाना है और जस्ट इसके सामने वाले की स्लोटों में हमको दूसरा सेट डालना है रनिंग का। तो आपको 1, 2 स्लोट आपको छोड़ देने हैं और यहाँ से स्टार्ट करना है, ये इसका इनर, 1, 2, 3, 4, 5, ये सबसे छोटी वाली, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इससे बड़ी वाली, और ये सबसे बड़ी वाली 1 से 9 वाली, इसका आउट। दोस्तों, हमारी रनिंग की सेट डल की कंप्लीट हो गई। अब बात आती है स्टार्टिंग की। तो दोस्तों, स्टार्टिंग में देखिए, तीन स्लॉट हमारे इधर रह जाते हैं और तीन स्लॉट हमारे इधर की साइड में रह जाते हैं, 1, 2, 3। तो दोस्तों, अब बात आ रही है कि स्टार्टिंग की कोयले किस प्रकार से डालने हैं। स्टार्टिंग का मात्र एक सेट बनेगा तीन कोयलों का मात्र एक सेट बनेगा दोस्तों। उसको आपको किस प्रकार डालना है मैं भी आज इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। देखिए आप ध्यान से, मैं एक एक चीज दिखा रहा हूँ दोस्तों आपको। सबसे पहले तो इसकी पिच गिन लेनी है हमको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 से 8, फिर ये आएगी 1 से 10, फिर इधर वापस 1 से 8। तो दोस्तों, मैं रेड पेन से कर रहा हूँ तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका इनर है, तीन कोलों का सेट बनेगा, 1 से 8 वाला, फिर 1 से 10 वाला, फिर 1 से 8 वाला, आपको परमे पे उसी हिसाब से सेट करना है दोस्तों, 1 से 8 वाला, 1 से 10 वाला, फिर 1 से 8 वाला लास्ट में। तो सबसे पहले हम 1 से 8 वाला डाल देते हैं इसके अंदर, 1 से 8 वाला डल गया दोस्तों। 1 से 8 वाला डलने के बाद में हमको मोटर को घुमा लेना है इधर की साइड में, 1 से 10 वाला नहीं डालना आपको, मोटर को घुमा लेना है 1 से 8 वाला डालने के बाद में। अब
दोस्तों हम मोटर को सीधा घुमाएंगे, इसको 110 वाले को हम सेट को अलग कर देंगे, फिर सबसे छोटा वाला उठाएंगे जो कि हमारा 108 वाला होगा। तो हम मोटर को घुमा लेंगे इस प्रकार। घुमाने के बाद में दोस्तों ये एक एक स्लॉट छोड़ देना आपको, फिर यहाँ से स्टार्ट करना है सबसे छोटी वाली 108 वाली उठानी है आपको, 110 वाली हम बाद में डालेंगे सबसे बाद में। दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 108 वाली। दोस्तों 108 वाली डालने के बाद में हम 110 वाली डालेंगे, तो ये 110 वाली इसको लास्ट में डालना है दोस्तों। इसका आउटर है तो ये इसका आउटर और ये इसका आउटर दोनों एक जगह हो जाएंगे, जब आप डालेंगे तब ये दोनों एक जगह हो जाएंगे। और जो हमारी ये कोयल है इस बीच वाले को आपको आधी आधी कर देनी है, आधी तो इधर की साइड में दे देनी है आपको और आधी इधर की साइड में, दोनों आधी आधी कर देनी है आपको कोयल को, जो कि हमारी 110 वाली कोयल को आपको आधी आधी कर देनी है, आधी इधर और आधी इधर। जिस प्रकार हमारे मान लो 50 टर्न है या फिर 40 टर्न है तो आपको उसके आधी आधी कर देनी है, गिनने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अंदाजा से आधी आधी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से इस मोटर की वाइंडिंग होती है। अब बात आती है इसके कनेक्शन की, तो देखिए दोस्तों इसके कनेक्शन किस प्रकार से करने हैं। तो दोस्तों आपको इस टाइप के इसमें मात्र 4 वायर की दिखाई देंगे दोस्तों, इसके अंदर 1, 2 ये इनर और इधर भी ये इनर, आउटर को आपको एक जगह कर देना है। इसका आउटर इसके सामने वाले के रनिंग के आउटर से कनेक्ट कर देना है, और स्टार्टिंग का भी ये आउटर इसके आउटर से कनेक्ट हो जाएगा, ये जहाँ पे मैंने किया है यहाँ पे। उसके बाद में हमारे 4 वायर है, 4 वायर को आपको कनेक्शन किस प्रकार करना है। तो मोटर हमारी एंटी क्लॉक वाइज घूमती है, तो इस प्रकार से एक स्टार्टिंग, ये हमारा स्टार्टिंग का है और ये रनिंग का मान लो, तो ये स्टार्टिंग का पकड़ना है। अगर मान लो मोटर को आपको इधर की दिशा में घुमाना है, इधर के डायरेक्शन, तो आपको इस साइड वाला रनिंग का पकड़ना होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इधर घुमाऊँ तो इस वाले रनिंग को पकड़ना होगा, तो इन दोनों को आप कॉमन कर सकते हैं। तो इधर वाला ये रनिंग का, ये दोनों कॉमन हो जाएंगे, और ये हमारे रेड वाला और ये येलो वाला निकल जाएगा बाहर। तो इस प्रकार से इस मोटर की वाइंडिंग होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी मेहनत के लिए लाइक कर दीजिए, मैं ऐसी इंटरेस्टिंग एंड मज़ेदार वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।